हाय गाइस, आई एम निशांत चारम, इनकमिंग एसडीई एट माइक्रोसॉफ्ट। यार आज की वीडियो में तुमने काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ रिक्वेस्ट करी थी कि यार अपना कॉलेज का जो C++ वाला कोर्स है उसका एक भैया रिव्यू कर दो कि शुड वी फॉलो दैट, या फिर उसमें कुछ अगर ड्रॉबैक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, वही सारी तुम्हारे साथ शेयर करूँगा यार। प्रोज एंड कॉन्स शेयर करूँगा, कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी शेयर करूँगा, फ्री ऑल्टरनेटिव जो तुम यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई एक टॉपिक यहाँ से समझ नहीं आ रहा, तुम कहीं और से पढ़ सकते हो, एंड इस तरीके से यार तुम अपना पूरा प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर सकते हो। बिकॉज एंड गोल अमन भैया का भी यही है कि तुम अपनी यार प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन करो एंड फोड़ दो। अब यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यार अमन भैया के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है जो उन्होंने अभी तक किया है 4 साल 5 साल में, एंड जो भी वो कर रहे हैं, जो वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, जो वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ रियली अमेजिंग। बट यार उसमें अगर मैं थोड़ा सा कुछ हेल्प कर सकता हूँ, जैसे कुछ ड्रॉबैक्स हैं या फिर कुछ चीज़ें हैं जिन पर वो और ध्यान दे सकते हैं, ताकि जो ये कोर्स था, अगर वो आगे कोई कोर्स बनाए तो वो इसको और इम्प्रूव कर सकें, एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम लोगों का फ़ायदा होगा, बिकॉज तुम्हें इस लेवल से भी और ऊपर एक लेवल का कंटेंट मिलेगा, एंड मतलब मौज ही मौज है। और यार ये खाली मेरा रिव्यू नहीं है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल्स वगैरह डाले थे, मैंने कल रात को टेलीग्राम ग्रुप पे लोगों से बात करी, उनके कुछ रिव्यूज़ थे, कुछ मेरे थॉट्स थे, मैंने उनसे कंफर्म किया कि ये तुम्हें भी लग रहा था कि नहीं, या फिर मेरे को ही लग रहा है, एंड कुछ दोस्तों से जिन्होंने कोर्स देखा था, कुछ जूनियर्स से जिन्होंने कोर्स किया था, उन सबसे मैंने बात करी, एंड फाइनली कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को लगे कि हाँ यार ये वाली चीज़ें सबको दिक्कत कर रही हैं, या फिर ये वाली चीज़ें सबको पसंद आई हैं, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे सामने रखूंगा। एंड यार एंड में थोड़े ऑल्टरनेटिव्स भी बता दूंगा, जैसे अगर तुम्हें डीपी का कोई अगर टॉपिक है, या फिर बाइनरी सर्च का टॉपिक है, या फिर कुछ भी एक टॉपिक है, ट्रीज का टॉपिक है, तुम्हें यहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो विच ऑल रिसोर्सेज यू कैन लाइक फॉलो, या फिर कौन से रिसोर्सेज तुम जाके देख सकते हो जहाँ से तुम चीज़ें सीख सकते हो यार। एंड में यार तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, तो मस्त पढ़ाई वढ़ाई करो। तो यार सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड है वीडियो। सबसे पहले जो तुम्हारा है वो तुम्हारे प्रोज है, सेकंड जो है तुम्हारा वो तुम्हारे कॉन्स है, एंड फाइनली जो है तुम्हारे वो ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो प्रोज से स्टार्ट करते हैं यार। तो सबसे पहली चीज़ है यार फ्री है कंटेंट, मतलब इतना सही, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं, सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखा है, तो हैट्स ऑफ टू दैट। मतलब ऐसा मैंने YouTube पे तो नहीं देखा था कि 200+ वीडियोज़ जिसमें हों, कोर्स में सारे टॉपिक्स वगैरह कवर्ड हों, और मतलब यार हार्ड्स ऑफ टू दैट, मतलब बनाना ये इतना आसान नहीं है, एंड काफ़ी बढ़िया है। सेकंड जो चीज़ है यार कि अगर तुम एक बिगिनर हो, एंड बिगिनर से तुम एक प्रो लेवल पे या फिर मॉडरेट लेवल पे कोडिंग में पहुंचना चाहते हो, C++ सीखना चाहते हो, डेटा स्ट्रक्चर सीखना चाहते हो, तो इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है। मतलब ऑनलाइन जो तुम्हारा जैसे स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन है, या फिर नंबर थ्योरी है, या फिर तुम्हारा जैसे सेगमेंट ट्रीज है, फेनविक ट्रीज है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ा रखी होती ज़्यादा लोगों ने, मतलब पढ़ा रखी हैं बट फिर वो सीधा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर्स ने पढ़ा रखी हैं, अपने चैनल्स पर पढ़ा रखा है, ऐसे DS algo के साथ किसी ने ये चीज़ नहीं कर रखी थी, एंड मतलब बहुत सही, बहुत सही। और यार जो लास्ट चीज़ है कि यार कुछ वीडियोस में, मतलब मोस्टली वीडियोस में, कुछ नहीं बोलूँगा, उनमें एनिमेशन इज़ टू द पॉइंट, मतलब बढ़िया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है सब कुछ। तो यार ये 3 पॉइंट्स है जो मेरे को लगे कि हाँ यार ये बताने ज़रूरी हैं। अब इसमें कुछ जो लोगों को दिक्कतें आ रही थी कि वो अब मैं आगे वाले पार्ट में बताता हूँ जो कॉन्स वगैरह हैं इसके। सबसे पहले जो लोगों को मोस्टली जो दिक्कत आई थी कि लग रहा था कि थोड़ा सा फास्ट पेस जाए कोर्स। अब फास्ट पेस से क्या मतलब है मेरा कि जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो ऐसा लग रहा था कि यार बहुत जल्दबाजी में करी गई है कि बस ख़त्म कर दो इस क्वेश्चन को, या ख़त्म कर दो इस टॉपिक को, एंड नेक्स्ट पे बढ़ जाओ। थोड़ा ऐसा लग रहा था कुछ टॉपिक्स में, कुछ क्वेश्चंस में, कि यार मतलब इंट्यूशन नहीं बताई कहीं जगह, सीधा मतलब तुम्हें क्वेश्चन समझाया, क्वेश्चन के बाद कोड पे आ गए, एंड कोड करके दिखा दिया, कोड समझा दिया, एंड हम आगे बढ़ गए। तो वो एक थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं GFG का हिंदी ट्रांसलेशन सुन रहा हूँ, एंड हिंदी ट्रांसलेशन सुनने के बाद उसको मैंने कोड कर दिया जो GFG ने किया था। मतलब कुछ वीडियोज़ में लगा, सब में नहीं लगा, बट हाँ ये थोड़ा सा था। एंड यार मैंने सारी वीडियोज़ नहीं देखी है, मतलब सारी वीडियोज़ मैं देख भी नहीं सकता, 200+ वीडियोज़ मेरे लिए देखना डिफ़िकल्ट होगा। तो मैंने मोस्टली 2-3 टॉपिक्स देखे थे जो जनरली पढ़ाने मुश्किल होते हैं, जो विजुअलाइज कराने मुश्किल होते हैं। अब तुम रिकर्जन देख लो, DP देख लो, और बाइनरी सर्च देख लो, ये जो 3 टॉपिक्स होते हैं ना यार, इनको विजुअलाइज कराना एक बंदे को डिफ़िकल्ट होता है। तुम ट्रीज पढ़ा दोगे बना के, ठीक है, तुम स्टैक्स पढ़ा दोगे, क्यूज पढ़ा दोगे, तुम लिंक लिस्ट पढ़ा दोगे, तुम एरेज पढ़ा दोगे, तुम ग्राफ्स भी पढ़ा दोगे, क्योंकि वो बन जाते हैं, बट जो रिकर्जन वाली चीज़ होती है ना, वो एक बार दिमाग में डालना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एंड मैं बोलूँगा कि कुछ हद तक यार काफ़ी अच्छा काम कर रखा था, काफ़ी अच्छे तरीके से रिकर्जन पढ़ाया, बट यार उसमें वही फास्ट पेस्ड वाली थोड़ी चीज़ लगी कि मतलब वो बंदा समझ जाएगा जो तुम लोगों ने क्वेश्चंस कराए हैं, या जो अपना कॉलेज वाली टीम ने क्वेश्चंस कराए हैं, वो कर लेगा, बट उसके बाद वो अटक सकता है, मेरे को ऐसा लगा। सिमिलरली यार DP में भी ऐसा ही लग रहा था कि
मैं बस GFG का हिंदी ट्रांसलेशन सुन रहा हूँ एंड उसको उसके बाद उसको कोड कर रहा हूँ। अब शायद ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यार 5 इंस्ट्रक्टर्स ने मिलके पढ़ाया, तो हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्टर का जो लाइक कनेक्टिंग विद द ऑडियंस वाली चीज़ है या फिर पढ़ाने का तरीका है वो बेटर हो दूसरों से, एंड वो चीज़ दिख रही थी। मतलब अगर यही कोर्स कोई एक बंदा पढ़ाता उसके लिए डिफिकल्ट होता, आई अंडरस्टैंड। मतलब वो शायद एक टॉपिक में स्ट्रांग नहीं है इसलिए वो टॉपिक्स ऐसे डिवाइड करे गए हैं, जो जिसमें स्ट्रांग था उसने वो चीज़ पढ़ाई है, बट जो पढ़ाने का तरीका होता है ना वो काफ़ी डिफरेंट था। वो चीज़ सीखने में टाइम लगता है, वो जो एक्सपीरियंस आता है ना पढ़ाना यार, वो मतलब दिख रहा था कि हाँ ये लोग अभी कॉलेज में थे, इन्होंने जस्ट कॉलेज पास किया है, इन्होंने जैसे पढ़ा था वैसे तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस वाली जो छोटी सी चीज़ थी ना वो मिसिंग थी, मतलब मेरे को मिसिंग लगी पर्सनली। मैं सिमिलरली अगर तुम कोई और चैनल देखो, अगर तुम टेक यू फॉरवर्ड देखते हो या फिर तुम पेप कोडिंग का देखते हो, ठीक है, या फिर तुम अब्दुल बारी सर के देखते हो, तो उनमें वो पढ़ाने वाली जो चीज़ थी ना वो एक्सपीरियंस ना झलकता है। जैसे वो जब वो एक क्वेश्चन तुम्हें समझा रहे होते हैं ना, जब वो क्वेश्चन एक तुम्हें सिखा रहे होते हैं कि यार ये अप्रोच तुम्हें कैसे लगानी है किसी और क्वेश्चन में, तो वो अप्रोच तुम सीख रहे होते हो। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अप्रोच नहीं सीख रहा हूँ, मैं क्या सीख रहा हूँ यार, मैं वो क्वेश्चन सीख रहा हूँ। मतलब ये थोड़ी सी डाउनसाइड लगी कि एट द एंड ऑफ द डे यार सेम क्वेश्चंस तुम्हारे नहीं आने वाले हैं, यहाँ से तुम बस कॉन्सेप्ट सीखोगे, इन कॉन्सेप्ट से तुम प्रैक्टिस करोगे एंड प्रैक्टिस करके फिर तुम कुछ आगे कर पाओगे, राइट। अब ये 2-3 जो पॉइंट्स थे ये मेरे को मोस्टली कॉन्स लगे। एक और चीज़ थी यार, हम फेसेस से कनेक्ट करते हैं, हम वॉइसेस से कनेक्ट नहीं करते। मतलब अमन भैया को कोई पक्का लॉजिक होगा कि उन्होंने इस बार वॉइस ओवर डलवाए हैं, किसी का फेस नहीं आया है, तो उसके पीछे डेफिनेटली कोई लॉजिक होगा, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट यार होता है, पर्सनल कनेक्ट होता है, जब तुम किसी से शक्ल देखते हो ना किसी की, तो एक वो कनेक्ट बन जाता है, तुम शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो, तो वो भी एक छोटा सा पार्ट मिसिंग था। एंड यार यही मेजर जो मेरे को ड्रॉबैक्स लगे ना वो यही थे। ठीक है, कोर स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, एनिमेशंस में कोई दिक्कत नहीं है, जो अमन सर ने सेल किया था, जो अमन सर ने बोला था कि यार बहुत अच्छी एनिमेशंस यूज़ करेंगे, तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स देंगे, सब कुछ है। बट अब तुम्हें ये कोर्स अगर तुम कर रहे हो ना, तुम डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ तुम्हें समझना है ना, लाइक ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाओ, ऑल्टरनेटिव्स से समझो एंड गेट बैक टू इट। मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यार तुम ये देख नहीं सकते या तुम्हें ये देखना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स काफ़ी अच्छा है, कोर्स काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। बट हाँ, अगर तुम्हें कहीं चीज़ समझ नहीं आ रही है तो तुम ऑल्टरनेटिव ज़रूर देख लेना, क्या पता तुम्हें वहाँ ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन समझ आ जाए, या फिर क्या पता तुम्हें उनका ही पढ़ाने का तरीका समझ आए और वो तुम सारी देख लो। ठीक है, इसको मतलब बस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि यार यही है, इसी से ही प्लेसमेंट लगेगी, यही सब कुछ है, ऐसे नहीं करना है। तुम्हें अपना फ़ायदा देखना है यार, ठीक है, कि तुम्हारा फ़ायदा कहाँ हो रहा है। अब तुम चाहे ये कोर्स करो चाहे कोई और कोर्स करो, एट द एंड ऑफ द डे यार तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा यार, तुम्हें DSL को सीखना होगा, तुम सीख लो, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तुम वो वाला पार्ट नहीं स्किप आउट कर सकते। तुम चाहे कितने ही कोर्स कर लोगे, बिना DSL को खुद प्रैक्टिस करोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम दुनिया का बेस्ट कोर्स खरीद लोगे ना, दुनिया का सबसे महंगा कोर्स खरीद लोगे, सबसे फ्री कोर्स कर लोगे ना, उससे कुछ नहीं होगा जब तक तुम खुद क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, खुद क्वेश्चंस को कोड नहीं करोगे, जब तक तुम जो सोच रहे हो तुम कोड नहीं कर पा रहे हो, तो वो वाला गैप जो मिटता है ना वो प्रैक्टिस से मिटता है, बस वीडियोस देखने से। ठीक है, ऐसे एक टीवी सीरीज़ की तरह वीडियो देख लोगे उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें ये वाली चीज़ ज़रूर करनी पड़ेगी। फिर यही कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स थे। जैसे रिकर्जन वाला टॉपिक है, आई वुड सजेस्ट तुम पेप कोडिंग का देख लो, मतलब पेप कोडिंग का या फिर टेक यू फॉरवर्ड का देख सकते हो, अब्दुल बारी सर का देख सकते हो, एक C++ बाय शुक्ला सर है तुम वो देख सकते हो। उसने ना मतलब मेरे को यहाँ का मतलब रिकर्जन ऐसे टॉप ऑफ द लाइन नहीं लगा, क्योंकि रिकर्जन समझने में यार टाइम लगता है। अगर तुम्हारा रिकर्जन वीक हो गया ना तो तुम्हें आगे कोई चीज़ समझ नहीं आने वाली है, तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, तुम्हें DP समझ नहीं आएगी, बैक ट्रैकिंग समझ नहीं आएगी, तुम्हें लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे आइटरेटिव से, तुम ट्रीज ढंग से नहीं कर पाओगे। ट्रीज में भाई 99% काम तुम्हारा रिकर्जन का होता है यार, एक रिकर्जन कॉल बार तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वैसे तुम आइटरेटिव में लगे रहोगे तुम सोचते रह जाओगे। सिमिलरली यार DP में तुम मेमोराइजेशन के बाद ही तो टैबुलेशन लिख पाओगे, जब तक तुम वो रिकरेंस रिलेशन या रिकरेंस फंक्शन नहीं बना पा रहे तो फिर कैसे चलेगा काम। तो इसलिए रिकर्जन को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, उसके बाद DP, बाकी वाले सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एंड यार प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है,
प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम्स। बाकी यार जिन जिन चैनल्स को मैं ऑल्टरनेटिव्स बता रहा हूँ सबको मैंने नीचे टैग कर दिया, तुम जाके चैनल खोल के देख सकते हो प्लेलिस्ट वगैरह, ठीक है। अनुज भैया से भी पढ़ सकते हो तुम, अनुज भैया का काफ़ी सही है। एंड यार और भी काफ़ी चैनल्स को नीचे टैग किया होगा, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। बाकी यार मैंने एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन गाइड बना रखी है जिसमें मैंने सारे रिसोर्सेज लैंग्वेजेस से लेके DSS से लेके अपने नोट्स जो मैंने प्लेसमेंट्स के टाइम यूज़ करे थे, तुम CP कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तुम कोड शेफ कैसे कर सकते हो, तुम कोड फोर्सेस कैसे कर सकते हो, तुम लीड कोड को कैसे यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें बता रखी हैं। कुछ उसमें मेरी चीज़ें हैं जो मैंने खुद यूज़ करी थी, कुछ मेरे दोस्तों के हैं जो गूगल में बैठे हैं, ठीक है, या फिर टावर सर्च जिन्होंने निकाली थी, DSO जिन्होंने निकाली थी, जिन्होंने वो टॉप पैकेजेस निकाले हैं ना, उन्होंने कैसे किया था, वो सारे इंसाइट्स उसके अंदर हैं। रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करते हैं, वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो मिस आउट कर जाते हैं सब लोग, वो सारी चीज़ें उसमें मैंने बता रखी हैं। तो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। प्लेलिस्ट का लिंक भी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी जाके देख सकते हो। एंड यार एट द एंड में बस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यार ये कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है कि मैं कॉन्ट्रोवर्सी करना चाहता हूँ, ये बस ये है कि तुम लोगों की एट द एंड ऑफ द डे यार हेल्प होनी चाहिए। मतलब एंड गोल क्या है, अमन भैया का भी एंड गोल यही है ना कि लोगों को फ्री रिसोर्सेज मिलने चाहिए। अब उन फ्री रिसोर्सेज में कुछ अगर पॉइंट्स हैं जो सही नहीं लग रहे हैं तो उनको पता होगा, तो शायद वो नेक्स्ट जो मतलब कोर्स निकालेंगे, नेक्स्ट जो भी चीज़ वो करेंगे उनमें उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो बस यही है, एक छोटे भाई की तरह एक सजेशन है कुछ, अगर अमन भैया ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, और अगर तुम जूनियर्स हो मतलब अभी कॉलेज स्टार्ट किया या फिर कॉलेज में हो तो एक बड़े भाई की तरह मेरे सजेशंस ले सकते हो, ठीक है। कोई भी कोर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, तुम्हें चीज़ें जहाँ समझ आ रही है वहाँ से सीखो, जहाँ से तुमसे हो रहा है वहाँ से सीखो, एंड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो, सब कुछ हो जाएगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यार वीडियो को शेयर करना तो अपने दोस्तों के साथ जो कन्फ्यूज़ हैं कि क्या वो अपना कॉलेज का कोर्स उन्हें करना चाहिए या फिर कोई और कोर्स करना चाहिए या जो भी करना चाहिए, उनके साथ वीडियो को शेयर करो। एंड मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।